उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में पिछले 15 दिनों से चल रही भाजपा की अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का शनिवार को सहसपुर में समापन हुआ। बताने की स्नेह संवाद यात्रा के इस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने सभी लोगों को सरकार द्वारा जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ये यात्रा एक ऐतिहासिक स्नेह संवाद यात्रा रही। इस यात्रा से मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, जिससे पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। वहीं हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना पर दुख जाहिर करते हुए शादाब शम्स ने कहा कि ये दुखद घटना एक साजिश के तहत हुई है और जल्द ही जांच में साजिशकर्ताओं के चेहरों से नकाब उतर जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विकास नगर से संवाददाता इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज का एक बहुत बढ़िया सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुस्लिम समाज बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मुझे लगता है इन यात्राओं से संवाद होता है, लोगों के साथ बात होती है और स्नेह संवाद नाम ही बताता है कि प्यार से अपने लोगों के बीच में जाके संवाद करना, अपनी योजनाएं जो लोगों को मिल रही हैं उनके बारे में जानकारी देना और उससे लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ना। मैं ये कह सकता हूँ कि स्नेह संवाद यात्रा का बहुत शानदार कार्यक्रम हर जगह स्वागत हुए हैं और आज जिस तरह से समापन हुआ है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं तमाम लोगों को, यहाँ की पूरी टीम को, अल्पसंख्यक मोर्चा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश।